हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। उसकी एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखने वाले हैं। इसमें कहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं। एक का नाम मैं ए रख लेता हूं, जिसके निर्देशांक, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में 4, -1। एक दूसरा बिंदु हमें दे रखा है यहाँ पर बी, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, -2, -3, -2, -3। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या कहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो मैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देता हूं। तो जब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ूंगा तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा, जो मैंने बना दिया यहां पर। तो ये रेखाखंड हमारे पास कौन सा आ गया, ए बी आ गया। अब कहा है कि इस रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित किया जा रहा है। समत्रिभाजित का मतलब होता है तीन बराबर हिस्से। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है ना, अगर मुझे इसके तीन बराबर हिस्से करने हैं तो देखो, एक कट यहां लगाऊंगा मैं, एक कट यहां लगाऊंगा, तो अब ये तीन बराबर हिस्से मुझे मिल चुके हैं। यहां पर भी वही कहा है कि ये जो रेखाखंड ए बी है, इसके तीन बराबर हिस्से करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब है इस रेखाखंड ए बी पर कुछ बिंदु हैं जो इसको तीन बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कुछ बिंदु, तो इसका मतलब है दो बिंदु। अब मैं दो बिंदु क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो, अगर मैं एक बिंदु यहां पर लेता हूं और इसका नाम मैं P रख लेता हूं, और दूसरा बिंदु मैं यहां पर लेता हूं, इसका नाम मैं Q रख लेता हूं, तो अब आप देखें कि ये जो रेखाखंड ए बी है, इसके आपको कितने हिस्से मिल गए। एक तुम्हें मिला A से P का हिस्सा, दूसरा मिला P से Q का हिस्सा, तीसरा मिला Q से B का हिस्सा, तो तीन बराबर हिस्से मिल गए। तो अब आपको ये जो P और Q है, ठीक है, P और ये जो Q है, इनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने। तो सबसे पहला काम ये कर लेता हूं मैं कि जो P है इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेता हूं। तो इसके निर्देशांकों को अभी के लिए मैं कुछ नाम दे देता हूं। अभी के लिए मैंने इसका नाम दे दिया XY। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज अभी भी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब जरा ये देखो, अभी Q का निर्देशांक अभी हम ज्ञात नहीं करने वाले, ठीक है, अब बाद में ज्ञात करेंगे, पहले P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितनी दूरी A से P की है, उतनी ही दूरी P से Q की है, उतनी ही दूरी Q से B की है, तो ये तीनों दूरियां बराबर हैं। तो बराबर दूनी होने के कारण कोई वैल्यू हम तीनों की बराबर ले लेते हैं। मतलब कि यहां से यहां तक अगर मैंने 1 ले लिया, तो फिर यहां से यहां तक मैं 1 ही लूंगा, और यहां से यहां तक भी कितना लूंगा, 1। ये समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 क्यों लिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आप चाहो तो यहां से यहां की दूरी 2 ले सकते हो, तो उस केस में फिर यहां से यहां की दूरी भी 2 लेनी पड़ेगी, उस केस में यहां से यहां की दूरी भी 2 लेनी पड़ेगी। अगर आप A से P की दूरी 3 लेते हो, तो फिर आपको P से Q की दूरी भी 3 लेनी पड़ेगी, और फिर आपको Q से B की दूरी भी 3 लेनी पड़ेगी। सीधा सा मतलब है कि सारी दूरियां हैं बराबर। तो अगर सारी दूरियां बराबर हैं, तो कोई भी नंबर तीन, कोई भी दूरी तीनों के लिए मान सकते हो आप। तो मैंने कौन सी दूरी मानी है तीनों के लिए, मैंने 1, 1 मान लिया। ठीक हो गया। तो ये दूरी भी यहां से यहां तक कितनी मान ली मैंने, 1। अब क्योंकि अभी के लिए मुझे Q फाइंड नहीं करना है, सिर्फ P फाइंड करना है, तो आप ये देखें कि A से P की दूरी मैंने कितनी ली थी, 1। और क्योंकि Q बिंदु को अभी हमें ढूंढना नहीं है, तो हम सीधे P से B तक जाते हैं। तो आप बता सकते हैं P से B की दूरी कितनी हो गई। P से Q की दूरी है 1, Q से B की दूरी है 1, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो P से B की दूरी कितनी हो गई, 2। तो मैं क्या करता हूं, इसी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं, और फिर से बनाने पर मैं P बिंदु, Q बिंदु को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ P बिंदु दिखाऊंगा, A दिखाऊंगा और B दिखाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा।
तो बच्चों मैंने ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको नीचे फिर से ड्रॉ कर दिया है और पूरा का पूरा डायग्राम आपके सामने है। तो अगर हमें पी बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने हैं जो कि एक्स कॉमा वाई है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा विभाजन सूत्र जो मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिया है। इस विभाजन सूत्र में आपको जरूरत पड़ेगी एम की, एक्स टू की, एन की, एक्स वन की, फिर एम वाई टू एन वाई वन। तो जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया देखो, ए के निर्देशांक है 4, -1, तो उसके नीचे मैं लिख लिया एक्स वन वाई वन। बी के निर्देशांक है -2, -3, उसके नीचे हमने मान लिया है एक्स टू वाई टू। ये यहाँ पर जो ए से पी की दूरी है 1, इसको हमने एम मान लिया है। पी से बी की दूरी 2 है, उसको हमने एन मान लिया है। तो अगर मैं सारी वैल्यू यहाँ पर रख दूं, एम 1 है, एन 2 है, एक्स 1 4 है, एक्स 2 -4 है, वाई 1 आपके पास है -1, और वाई 2 हमारे पास कितना है -3। तो हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। ये m की वैल्यू, n की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, तो रख के सॉल्व करते हैं। सारी वैल्यूज आपको यहां से मिलेगी, आपने यहां से वैल्यू उठा देनी है, ठीक है। जैसे भी आपको समझ में आता है, यहां से सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो x इक्वल टू m हमारे पास है 1, x 2 हमारे पास है -4, n हमारे पास है 2, और एक्स वन हमारे पास कितना है 4, और नीचे हमारे पास एम प्लस एन है जो कि हो जाएगा 1 + 2। यहां पर वाई की वैल्यू निकालनी है तो एम कितना हो जाएगा, एम है 1, तो 1 लिख लेते हैं। वाई टू कितना है, वाई टू देखेंगे ये -3 है, तो यहां लिख लेते हैं -3। प्लस एन कितना है, एन देखें एन है 2, और वाई वन देख लेते हैं, वाई वन कितना है -1, ये -1 है, और नीचे है एम प्लस एन जो कि कितना हो जाएगा 1 + 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा -4, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा यहाँ पर 8, और 1 + 2 हमारे पास कितना है 3। तो -4 + 8 होता है 4, तो ये हो गया 4/3। आप भी चेक कर लेंगे अपने हिसाब से, यहां पर क्या होगा, y इक्वल टू 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया -3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया आपका -2, नीचे कितना है 1 + 2 3। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है हमारे पास, -5/3। एक यहां पर एक चीज देखते हैं, ये चीज शायद गलत हो गई थी कि एक्स टू कितना है हमारे पास, -2, तो एक्स टू की जगह हम यहाँ पर -2 लिखेंगे, ठीक है। तो -2 है तो फिर यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, है ना। तो फिर ये कितना होना चाहिए यहाँ पर, ये -2 होगा। अब इसको अगर सॉल्व करें -2 + 8, तो ये हो जाता है 6, और 6 को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया 2। तो अब आप देख सकते हैं ये जो पी है जिसके निर्देशांक मैंने एक्स कॉमा वाई माना था, तो x की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 2, और y की वैल्यू कितनी निकाल दी -5/3। तो इस तरीके से हमारे पास p के निर्देशांक आ गए हैं। अब हमारा काम यह है जो q है ना, इसके निर्देशांकों को हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं इस पूरे डायग्राम को फिर से बनाऊंगा, ये पूरा डायग्राम मुझे फिर से बनाना है, ठीक है। फिर इसको फिर समझाता हूँ q पॉइंट निकालने के लिए। तो बच्चों ये डायग्राम मैंने फिर से बना दिया क्योंकि p के निर्देशांक हम निकाल चुके हैं, अब हम q के निर्देशांकों को फाइंड करेंगे। तो q के निर्देशांकों का नाम अपनी तरफ से अभी के लिए कुछ रख लेते हैं, जैसे मैंने रख लिया अभी के लिए सपोज a, b, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब q के निर्देशांक a, b को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, नया तरीका नहीं बता रहा हूं, उसी तरीके से समझाऊंगा। a से p के बीच की दूरी कितनी है 1, p से q के बीच की दूरी भी हमने कितनी ली 1, और Q से B के बीच की दूरी भी हमने कितनी ली 1। अब क्योंकि मुझे Q बिंदु निकालना है, तो इसका मतलब है मेरे पास ये जो P बिंदु है अब इसका कोई काम है नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो P बिंदु है अब इसको हटा दो अपने डायग्राम से।
आप सिर्फ ए बिंदु को रखो, क्यू बिंदु को रखो और बी बिंदु को रखो। तो इन तीनों बिंदुओं को लेकर मैं डायग्राम को फिर से बनाकर दिखाता हूं। तो बच्चों ये ऊपर वाला डायग्राम मैंने फिर से बना दिया और ये पी को मैंने हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं ए से जो क्यू की दूरी है वो कितनी है हमारे पास, टोटल टू। तो मैंने ये टू लिख लिया, ए से कहां तक की दूरी, क्यू तक की दूरी, और क्यू से बी तक की दूरी हमारे पास कितनी है, वन। यहां पर भी वन था और यहां पर भी वन है। तो अब हमें विभाजन सूत्र लगाना है जो मैंने पहले से यहां लिख दिया। जो फॉर्मूला ये है आपके पास, क्योंकि आपको ए और बी के निर्देशांक फाइंड करने हैं, तो ए का फॉर्मूला ये है, बी का फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला ऊपर एक्स के लिए लगाया था और ये वाला वाई के लिए, वही बात है, बस नाम मैंने बदल दिया यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले में एम है एक्स टू है, एन है एक्स वन है, एम है वाई टू है, एन है वाई वन है। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहां से मिल जाएंगी। तो ए की जगह ए रहने दिया, एम की जगह क्या पुट करूंगा जरा देख लो यहां पर, टू। एक्स टू की जगह क्या पुट करूंगा देखो जरा, माइनस टू। प्लस एन की जगह क्या पुट करूंगा देखो जरा, वन। एक्स वन की जगह क्या पुट करूंगा देखो जरा, फोर। और नीचे हमारे पास क्या है, एम प्लस एन, जिसमें एम की वैल्यू टू है, एन की वैल्यू वन है। अब यही हिसाब यहां पर भी करते हैं, तो बी इक्वल टू एम की जगह क्या पुट करूंगा, टू। वाई टू की जगह क्या पुट करूंगा देखो, वाई टू कितना है, माइनस थ्री। एन की जगह क्या पुट करूंगा, वन। और वाई वन की जगह क्या पुट करूंगा देखो, वाई वन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। नीचे हमारे पास है एम प्लस एन, जिसमें एम की वैल्यू टू है और एन की वैल्यू वन है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई माइनस टू कितना हो गया, ये माइनस फोर, और वन मल्टीप्लाई फोर कितना हो गया, ये हो गया प्लस फोर। नीचे टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री। माइनस फोर प्लस फोर कितना होता है, जीरो, और नीचे कितना है, थ्री। तो जीरो को थ्री से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास ए की वैल्यू जीरो आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, टू को अगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो माइनस सिक्स आ जाएगा, और वन को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन आएगा, और नीचे टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस सेवन ओवर थ्री। तो बी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो ये जो ए और बी थे, ये क्यू के जो निर्देशांक हैं उसके पॉइंट्स थे ये। तो क्यू हमने जो लिया था वो था ए कॉमा बी, और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, जीरो कॉमा, और बी की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस सेवन कॉमा थ्री। तो फाइनली अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा था कि हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, इसको तीन बराबर हिस्सों में बांटा, उनमें से एक बिंदु का नाम मैंने पी रख लिया, दूसरे बिंदु का नाम मैंने क्यू रख लिया। अब आपको यहां पर तीन बराबर हिस्से दिखाई दे रहे, इसमें से जो पी वाला पॉइंट है इसके निर्देशांक हमने शुरू में निकाल लिए थे, और वो हमारे पास आंसर आया था शायद टू कॉमा माइनस फाइव ओवर थ्री। और क्यू जिसके नाम हमने ए भी रखा था, इसका निर्देशांक आ गया जीरो जीरो कॉमा माइनस सेवन बाय थ्री। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, और जो चीज हमसे पूछी थी हमने वो भी यहां पर निकाल लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।